Hello friends and welcome to the exams made simple. So we are back again. एंड आम वेरी सॉरी दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू मे द वीडियो फ्रॉम येस्टरडे मतलब उन्नीस और बीस तारीख का मैं वीडियो नहीं बना पाया था सो आईम वेरी सॉरी फॉर दैट टूडे आई एम गोइंग टू कवर बोथ द डेज दोनों दिनों की न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले उन्नीस की जो न्यूज़ है मैं आपको पोर्टल से बताता हूँ जिसमें मैंने नोट्स पूरी बनाई हुई थी कल मैंने नोट्स बना ली थी बट एक्चुअली सम एट लास्ट मोमेंट वेन आई वॉज गोइंग टू मेक द वीडियो सम वर्क केम एंड दैट शुड बी द सुप्रीम टास्क बिकॉज वो काम मैं एक्चुअली कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए सुप्रीम हो गया था उस समय सो दैट्स

सो so जून 2021 सबसे पहले आज कल के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है जेम जेम सहाय प्रोजेक्ट जेम सहाय प्रोजेक्ट समटाइम्स इन प्रोजेक्ट तो इन न्यूज रिसेंटली प्रोजेक्ट ऑन द जेम प्लेटफॉर्म टेलर टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ जेम सहाय इनमें से किसके नीड्स को पूरा करता है ऑप्शन आर ए सेल्फ हेल्प ग्रुप बी यूनिकॉर्न स्टार्टअप सी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या डी एम एस एम ई क्वेश्चन नंबर टू इज चिल्ड्रेन एंड डिजिटल साइट्स रिपोर्ट वर वॉज पब्लिश्ड रिसेंटली बाय इनमें से किसने पब्लिश की थी रिपोर्ट चिल्ड्रेन एंड द डिजिटल साइट रिपोर्ट इट वॉज पब्लिश्ड बाय ऑप्शन आर डब्ल्यू एच ओ सेकेंड इज बी इज इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन सी इज़ इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन या डी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को क्वेश्चन नंबर थ्री इज लेट टेल यू टेल्यू क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिडर स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इनलैंड वेसल्स बिल 2021 इनलैंड ट्वेंटी वन वेसल्स बिल 2021 आपको सामने दो स्टेटमेंट दिए हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट विल अप्रूव सेपरेट रूल्स फ्रेम्ड बाय द स्टेट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इनलैंड वेसल्स सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इट विल प्रोवाइड फॉर अ सेंट्रल डेटा बेस फॉर रिकॉर्डिंग द डिटेल्स ऑफ वेसल्स वेसल रजिस्ट्रेशन क्रू ऑन द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना विच स्टेटमेंट इज इनकर वन ओनली टू ओनली बोथ यान सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू जिनके आंसर्स आप करेंगे कल के मैं प्रिलिम्स स्पेसिफिक न्यूज आइटम्स आपको बता दूं तो प्रिलिम्स स्पेसिफिक न्यूज में पहली जो न्यूज थी वो थी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक लेट मी टेल यू अबाउट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक सो अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक इंडिया मेंटेन्ड फोर्टी थर्ड रैंक ऑन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स तो ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक आई है इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने जो है वो फोर्टी थर्ड रैंक मेंटेन किया ऑन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स अब जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो क्या है ए, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट है जो कि बताती है कि कॉम्पिटेटिवनेस क्या रही कंट्रीज की व्हाट वाज़ द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ द कंट्रीज अब ये आपके लिए सवाल है कि वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस जो ये ईयरबुक है या इंडेक्स है ये कौन इसको मेंटेन करता है या फिर कहना चाहिए कंपाइल कौन करता है तो उसको कंपाइल करता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसे बोलते हैं ये रिपोर्ट उसको निकालता है तो, तो, तो दो में आई ने एग्जामाइन किया इंपैक्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन को और इकोनॉमीज पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है सारी चीज़ें डिटरमाइन करने के बाद वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स या ये ईयरबुक निकाली गई है जिसमें इंडिया ने फोर्टी पोजीशन मेंटेन की है आपको याद रखना है नाउ सिक्सटी फोर इकोनॉमीज में कवरेज था दिस कवरेज वॉज स्टैंडर्ड टू सिक्सटी फोर इकोनॉमीज और जो फैक्टर्स मेजर किए गए इसमें क्राइटेरियाज क्या क्या थे इसके तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मतलब इकोनॉमिक किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी गवर्नमेंट्स एफिशियंसी गवर्नमेंट की एफिशियंसी क्या क्या रही बिजनेस एफिशियंसी क्या रही इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस रहा ये सारे पैरामीटर्स पर ये चार फैक्टर्स हैं जिनके अंतर्गत कहना चाहिए कि ये वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स या वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस ईयरबुक को निकाला गया अब अगर मैं वर्ल्ड के परफॉर्मर्स ग्लोबल परफॉर्मर्स की बात करूं तो यूरोप में जो टॉप परफॉर्मर था यूरोपियन कंट्रीज में वो टॉप पे रही जिसमें स्विट्जरलैंड रैंक वन पे था स्वीडन रैंक टू पे था डेनमार्क रैंक थ्री पे था और नेदरलैंड्स रैंक फोर में था तो टॉप परफॉर्मेंस में ग्लोबल परफॉर्मेंस में टॉप टॉप जो रहा वो यूरोप रहा एशिया की बात करें तो टॉप परफॉर्मिंग एशियन इकोनॉमीज़ में सिंगापुर रहा फिफ्थ में हांगकॉन्ग सेवन्थ पे ताइवान एटथ पे एंड चाइना सिक्सटीनथ पे रहा तो एशियन इकोनॉमीज़ में ये टॉप परफॉर्मेंस थे एंड अगर दो की बात करें टू की बात करें तो सिंगापुर उस साल वन था मतलब सिंगापुर नंबर वन पे था दो में लेकिन इस सिंगापुर जो को फिफ्थ नंबर पर रहा इस बार वन किसको रहा स्विट्जरलैंड को नंबर वन रहा स्वीडन को रहा नंबर टू रहा फिर अदर्स में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस में तो यू युए एंड यू वो भी अच्छे पोजिशन पर थे यू ए नाइन्थ पोजीशन पर था एंड यू जो था वो ट्वेल्थ टेंथ पोजिशन पर रहा इंडिया की परफॉर्मेंस अगर हम बोले इन कंपेरिजन टू तो ब्रिक्स नेशन तो ब्रिक्स नेशन के कम्पेरिजन में इंडिया तो फोर्टी थर्ड पर रहा इंडिया वॉज एट फोर्टी थर्ड पोजिशन चाइना जो था वो सिक्सटीनथ पे था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया रशिया फोर्टी फिफ्थ पे था रशिया हमसे पीछे था फोर्टी फिफ्थ पे था ब्राज़ील फिफ्टी सेवन्थ पे था एंड साउथ अफ्रीका सिक्सटी सेकेंड पोजिशन पे था तो ब्रिक्स नेशन में अगर हम कंपेयर करें तो फोर्टी थर्ड तो इंडिया का हो गया चाइना का सिक्सटीन हो गया रशिया का फोर्टी फिफ्थ था ब्राजील का फिफ्टी था साउथ अफ्रीका का सिक्सटी सेकेंड था ये आप याद रख सकते हैं ठीक है ना

चलने वाले जो अलग अलग कंटेनर्स एंड शिप्स हैं उनको वेसल्स बोलते हैं। तो इनलैंड वेसल्स भी उसी के रिगार्डिंग है ठीक है ना अब दिस बिल वॉट इट विल डू इट विल रेगुलेट द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनलैंड वेसल्स जो इनलैंड वेसल्स है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन इन सारी चीजों को इंपैक्ट करेगा ये ठीक है ना फीचर्स ऑफ द बिल की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट की फीचर है इस बिल का इट्स अ इट इज अ यूनिफाइड लॉ फॉर द इंटायर कंट्री इट विल बी अ यूनिफाइड लॉ फॉर द इंटायर कंट्री ये यूनिफाइड लॉ रहेगा पूरी कंट्री के लिए याद रखना ठीक है ना दूसरी चीज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड अंडर द प्रपोज लॉ विल बी विलीम टू बी वैलिड इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज तो इसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो सारे स्टेट्स एंड यूटीज में जो रहेगा वो वैलिड रहेगा दैट विल बी वैलिड फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज ये आपको याद रखना है एंड देर विल बी नो नीड टू सीक सेपरेट परमिशन फ्रॉम द स्टेट इसमें सेपरेट परमिशन स्टेट से लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी फॉर द वैस जो एक यूनिफाइड लॉ रहेगा एक बार आप परमिशन ले लिए तो आपको पूरे इंडिया में वो valid rahega. now the bill also provides for a central database for recording the details of vessel vessel registration क्रू ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल अब इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल भी बनाया जाएगा जिसमें आप सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो चाहे वेसल हो वेसल का रजिस्ट्रेशन हो क्रू की इंफॉर्मेशन हो ये सारी चीजें एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में स्टोर हो जाएंगी देन ऑल द नॉन मैकेनिकली प्रॉपर्ड वेसल्स विल ऑल्सो हैव टू बी इनरोल्ड एट द डिस्ट्रिक्ट तालुक और पंचायत और विलेज लेवल जितने भी नॉन मैकेनिकली प्रॉपर्ड वेसल्स हैं अगर कोई ऐसा वेसल है जो नॉन मैकेनिकली प्रोपर्ड है नॉन मैकेनिकली प्रॉपर्ड है तो उस का भी रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज एनरोलमेंट जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट तालुक और पंचायत या विलेज लेवल पे करना जरूरी रहेगा इसके अलावा ये जो बिल है इनलैंड वेसल्स बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी इनलैंड वाटर्स की डेफिनेशन को थोड़ा बड़ा कर दिया है कैसे बड़ा कर दिया है इट हैज नाउ इंक्लूडिंग टाइडल वाटर लिमिट एंड नेशनल वाटर वेज विच आर डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो इनलैंड वाटर्स में ही नेशनल वाटर वेज और इंक्लूडिंग द टाइडल वाटर लिमिट टाइडल वाटर टाइडल वाटर को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा और नेशनल वॉटर वेज जो डिक्लेयर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनको भी इंक्लूड किया जाएगा इनलैंड वाटर्स में ठीक है ना देन इसके अलावा इट ऑल्सो डील्स विद द विद्यूशन कंट्रोल मेजर्स ऑफ इनलैंड वेसल्स जो पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इनलैंड वेसल्स के उनको भी ये डील करता है उनके साथ भी डील करता है एंड दिस बिल ऑल्सो डायरेक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट लिस्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज एज पॉलिटि तो इस बिल में केमिकल uh, सब्सटेंसेस बहुत सारे हैं जिनकी लिस्ट प्रिपेयर की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनको केमिकल्स की लिस्ट में रखा जाएगा देन पोल्यूशन कंट्रोल के रिगार्डिंग भी इस बिल में बातें की गई सो दैट डीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स इसके अलावा मैं आपको इनलैंड वाटर के बारे में थोड़ा बता दूं कि इंडिया में लगभग फोर्टीन किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटर है जिसमें कि रिवर्स कैनल्स बैक वाटर क्रीक ये सारी चीजें आती हैं ठीक है ना फोर्टीन 500 किलोमीटर का एक और चीज़ आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत कम यूज़ किया गया है इंडिया में जो वाटरवेज है इंटरनल वाटर वेज है उनका बहुत ही कम यूज़ किया जाता है चाइना वाइना के कंपैरिजन में तो बहुत कम है चाइना में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके अलावा नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 में आया था 2016 में नेशनल वाटरवेज एक्ट आया था जिसने यह कहा था कि 111 एंड एलेवन वाटर वेज हैव बीन डिक्लेयर एज नेशनल वाटरवेज उसमें एक सौ ग्यारह वाटर को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया था अदरवाइज अभी जो प्रॉपर वर्किंग में है वो नेशनल वाटरवेज वेज सिक्स तक है जिसमें जो छठमा है वो बराक रिवर पे बन रहा है बराक रिवर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है सिक्स वाले का आपके लिए सवाल ये है कि मुझे नेशनल वाटर वे से लेकर के नेशनल वाटर वे तक आप मुझे बताइएगा मैंने वैसे काफी बार डिस्कस किया हुआ है अगर आप चाहें तो एक बार बता सकते हैं ठीक है ना यू कैन मी दैट आगे न्यूज एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डबल हो गई है अब मैं आपको इसमें थोड़ा आ, जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम कॉटन है जीएम क्रॉप उनके बारे में, देखो, इंडिया में अभी तक केवल एक ट्रांसजेनिक क्रॉप अप्रूव किया गया सेंटर द्वारा सेंट्रल ने केवल एक ही

इसको एक इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड से कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया है मतलब इसको इसको ए, एक स्पेशल पेस्ट से कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया उस पेस्ट का नाम है कॉटन बॉल वम तो कॉटन बॉल वम नाम का एक पेस्ट एक है जो कि अटैक करता था कॉटन को काफी ज्यादा अटैक करता था नुकसान पहुंचाता था कॉटन क्रॉप को कॉटन बॉल वम नाम का है ना ये कॉमन पेस्ट था तो इससे लड़ने के लिए एक एक इंपॉर्टेंट ट्रांसजेनिक वैरायटी बनाई गई जिसको बीटी कॉटन कहा जाता है बीटी कॉटन को अप्रूवल मिला है ना अब एच टी जो कॉटन है एच टी कॉटन जो है उसमें एक अलग से लेयर यूज की जाती है नॉ एच टी कॉटन वेरिएंट इट एड्स अनदर लेयर ऑफ मॉडिफिकेशन इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जाता है इट मेक्स दिस रजिस्टेंट ये जो बी कॉटन है इसमें एक और मॉडिफिकेशन किया जाता है और ये जब मॉडिफिकेशन एड हो जाता है तो एक हरबी है ग्लाइफो ट ग्लाइफोसेट नाम काटन है एंड इट हैज नॉट बीन अप्रूव बायर अब इसमें रेगुलेटर में आपको इंपॉर्टेंट नाम याद होगा जीई ए -E सी याद रखेगा जो इंपॉर्टेंट रेगुलेटर, रेगुलेटर है जो अप्रूवल देता है उसको बोलते हैं जीई ए सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जी ई काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बोला जाता है इसको ठीक है ना इसको याद रखेगा इसके बारे में थोड़ा चीज़ मैं आपको बता दूं कि इट्स अ स्टेट्यूटरी बॉडी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जिसको कि बनाया गया है and this is for the export import storage of hazardous uh, microorganisms genetically uh, uh, genetically modified organisms के लिए ये giec बनाया गया है और याद रखिएगा कौन से एक्ट में मेंशन में है ये क्यों मैंने बोला कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये किसी एक्ट में मेंशन में में होगी तो ये आपका याद का याद रखिएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में मेंशन में है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में मेंशन में है एंड uh, जो इसका नया नाम था जी ई था वो 2010 में इसको नाम दिया गया 2010 में इसको ये नाम दिया गया याद रखिएगा एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी और ये वर्क करता है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर्गत यह काम करता है और ये इसके इसके रिगार्डिंग अप्रूवल देने का काम एपेक्स बायोटेक रेगुलेटर बॉडी है ये एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी बॉडी है स्टेट्यूटरी बॉडी है एपेक्स बॉडी है एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी बॉडी है याद रखेगा दो में का नाम बदल करके किया गया नाइनटीन के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत यह मेंशनड है एंड इसको चेयर करता है कौन स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको हेड करता है कौन हेड करता है चेयर करता है स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको करता है एंड दिस इज अ थिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट याद रखिएगा नाउ दिस एक्टिविटी मैंने आपको बता दिया कि हर्बिसाइड कौन सा ग्लाई फो याद रखिएगा लेकिन इसको अप्रूवल अभी तक नहीं दिया गया है दिस इज अनदर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट ठीक है ना इसके अलावा कल एक और न्यूज़ हिंदू में आई थी द इंपॉर्टेंट थी फर्स्ट इंडियन नेवी ईयू नेवल फोर्स एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ एडन द गल्फ ऑफ एडन में पहली इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन के एक नेवल फोर्स एक्सरसाइज की जा रही है दिस वाज अ न्यूज़ यस्टरडे फर्स्ट इंडियन नेवी ईयू नेवल फोर्स एक्सरसाइज ऑन द गल्फ ऑफ एडन तो याद रखिएगा गल्फ ऑफ एडन में पहली इंडियन नेवल फोर्स की और आपके ईयू की एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है ठीक है ना इसका नाम भी दिया गया था देखो तो इसका नाम क्या है यूना यूनाव फोर यूनाव फोर यानी कि इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के द्वारा यूनाव फोर्स इसका नाम क्या है यूनाव फोर्स अब यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन जिसको कि गल्फ ऑफ बारबरा भी कहा जाता है इट्स अ डीप वाटर गल्फ बिटवीन यमेन टू द नॉर्थ एंड अरेबियन सी टू द ईस्ट ठीक है ना इसको याद रखना यमन टू द नॉर्थ एंड अरेबियन सी टू द ईस्ट ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है और ये गल्फ ऑफ एडन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यमन और इथियोपिया के बीच में एक जगह है ना यमन इथियोपिया सोमालिया के पास

इंडिया ये अलग अलग चार अलग अलग चार नेवीजेट कर रही है, है, है बाइडन एंड पुतिन सम्मिट तो यहां जो बाइडन एंड आपके व्लादिमिर पुतिन का एक सम्मिट हुआ है इंपॉर्टेंट समिट हुआ है कुछ ऑथर ने रीजन बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है देखो ऑथर ने बताया कि सबसे पहले क्या होता था नेटो और यूएसए जो रहते तो हमेशा वो रशिया के अगेंस्ट रहते थे ठीक है ना रशिया के अगेंस्ट उनका हमेशा हमेशा जो एक आउटलुक रहता था नेगेटिव आउटलुक था बट रिसेंटली क्यों ऐसा हुआ कि जिनेवा में ये बिडेन और पुतिन के बीच में समिट हो रहा है ऑथर ने इसका रीजन ये दिया है कि चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रकोप है चाइना की जो बढ़ती हुई पावर है उसको देखते हुए अमेरिका के लिए अब रशिया सेकेंडरी हो गया है एंड चाइना इज द प्राइमरी थिंग यही रीजन है कि जो थर्टी मेंटो ग्रुप है नेटो के बारे में आपको मैंने बताया कि 1949 में वाशिंगटन ट्रीटी के तहत बना था तीस कंट्रीज की मेंबर्स है ठीक है ना रिसेंटली नॉर्थ मैसेडोनिया इसकी मेंबर बनी आपको अगर पता है मॉन्टीनिग्रो मेंबर बना दीज वर द कंट्रीज विच हैम द मेंबर ऑफ दिस नेटो एंड यहां पर नेटो ने भी रिसेंटली सिस्टमिक चैलेंजेस बताया टू द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिसमें उन्होंने रशिया चाइना uh, का राइज बताया तो नेटो के बारे में भी ऑथर ने यह बताया कि नेटो और इन सबके लिए भी जो चाइना है वो सुप्रीम पावर बनता जा रहा है धीरे धीरे एंड उसी की वजह से जो रशिया का जो आउटलुक था रशिया के लिए जो आउटलुक था वो सेकेंडरी हो चुका है और चाइना जो है वो प्राइमरी स्टेज पर है तो देयरफॉर यही कारण है कि जो रशिया और यूएसए है जो क्लोज आ रहे हैं उसके बीच का यही एक रीजन है दिस इज वॉट दी हैज सेड ठीक है ना एंड ऑथर ने आप ये था कि रशिया के जो व्लादिमिर पुतिन है और यूएसए के जो बाइडेन है उन्होंने रिसेंटली जो निगोशिएशन किए हैं वो ये भी कहा कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी आपको पता है कि पांच साल और चलेगी 2021 से पांच साल बढ़ गई है तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है 2026 तक चलेगी तो दो के बाद न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो कि न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करने के लिए है न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिटेड रखने के लिए है तो उसका क्या अल्टरनेटिव किया जा सकता है उसके बारे में भी इनके बीच में

क्रिमिनल है इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ द नेचर दैट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द प्रमोटेड इस कारण से सेक्शन 377 आईपीसी जो है उसमें पनिशमेंट कावर्नमेंट ने क्या किया मतलब कोर्ट में वो केस या कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को डी क्रिमिनलाइज कर दिया लेकिन अभी भी एक चीज जो है इंपॉर्टेंट वो है सेम सेक्स मैरिज सेम सेक्स मैरिज अभी भी अलाउड नहीं है तो ऑथर ने वो इसके अगेंस्ट लिखा है ऑथर ने कहा है कि सेम सेक्स मैरिज अगर आप अलाउ नहीं करते हैं सो दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर एंड दिस इज अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी राइट टू लिबर्टी राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू चूज वंस ओन पार्टनर इन सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अगेंस्ट जाता है ठीक है ना एंड सेम सेक्स एंड क्यूयर कपल्स इज ऑनली ए मैटर ऑफ टाइम ऑथर ने कहा हाँ ये भी सही बात है कि ये मैटर ऑफ टाइम है बट जितना ज़्यादा ये डिले होगा उतना ज्यादा कहना चाहिए कि आप उनके राइट्स ले रहे हो अब ऑथर ने इसमें एग्जाम्पल दिए इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स दो हजार पांच में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका इन द केस ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड अनदर वर्सेज फोरी एंड अनदर इसमें लेस्बियन एन गे एक क्वालिटी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इन्होंने बोला इन्होंने यूनानिमसली कहा दैट कॉमन लॉ डिफीनिशन ऑफ मैरिज यूनियन ऑफ वन मैन विदेनता ने इस मैरिज एक्ट नाइन सिक्स को चेंज किया और इसमें चेंज करके उस चीज़ को हटाया जो चीज उसको प्रोहिबिट कर रही थी रिमूव दैट वर्ड है ना यूनियन ऑफ टू परसन कर दिया गया एंड इट वॉज नॉट यूनियन ऑफ अ मैन विद अ विदेन ठीक है ना तो यह चीज उन्होंने चेंज की दूसरा ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ 2007 में हुई इन इन 2007 ऑस्ट्रेलिया द रिफॉर्म्स टू सिविल राइट्स ऑफ कम्युनिटी वर प्रॉम्प्टेड बाय द ऑनरेबल माइकल किरवी उस समय जो जस्ट थे ऑनरेबल माइकल किरवी एंड उन्होंने ये चीज स्टार्ट करवाई दो में जिसमें सेम सेक्स रिलेशनशिप की बात हुई एंड दो में वो रिफॉर्म इनैक्ट हुआ एंड सेम सेक्स का

इसके साथ ही एक इंडियन केस भी जिसको देखा जा सकता है इंडियन केस जिसको देखा जा सकता है वो है शफीन जहान वर्सेस अशोकन के एम ठीक है ना ये केस है हरिया केस भी कहा जाता कह, है इसको हरिया केस कहते हैं शफीन जहान वर्सेस अशोकन केस एंड uh, uh, ये था केस देन इसमें जजमेंट uh, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि द राइट टू चूज एंड मैरी अ पार्टनर वॉज कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम यहां पर क्लियर कट मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि इट ज योर फंडामेंटल राइट टू चूज योर पार्टनर आप अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं दिस इज योर फंडामेंटल राइट एंड नो वन कैन टेक दैट एंड ये चीज तो फिर सबके लिए लागू होती है कहीं पर भी जजमेंट उन्होंने ये तो नहीं कहा कि एक फीमेल है तो वो मेल को ही चुनेगी या ये तो नहीं कहा कि एक मेल है तो फीमेल को ही चुनेगा तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि इंटीमेसीज ऑफ मैरिज दे लाई विद इन द कोर जोन ऑफ प्राइवेसी जो मैरिज की इंटीमेसीज हैं इट लाइज विद इन द कोर जोन ऑफ प्राइवेसी कोर जोन ऑफ प्राइवेसी में लाई करती है एंड इट इज़ इन वाइबल इसको वायोलेट नहीं किया जा सकता एंड सोसाइटी हैज़ नो रोल टू प्ले डिटरमाइनिंग द चॉइस ऑफ पार्टनर्स इसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं है कि वो पार्टनर चूज करने करे ठीक है ना तो पार्टनर चूज करना इट इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ दैट पर्सन ही और शी कैन चूज एंड सोसाइटी हैज़ नो रोल टू प्ले इन डिटर ठीक है ना तो कुल मिलाकर के ऑथर ने कुल मिलाकर यही कहा कि इट इज द ऑनली लॉजिकल फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स दैट की जितना ज्यादा हम डिले करेंगे लोगों को उनके पार्टनर्स चूज करने में चाहे वो सेम सेक्स के हों चाहे एल जी बी टी ग्रुप के हों चाहे क्यू ग्रुप के हों क्यूर ग्रुप के हों तो दिस इज अ वोलेशन ऑफ देर आर्टिकल्स फोर्टीन फिफ्टीन 21 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथर का कहना है कि आर्टिकल 14 15 और 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट किया जा रहा है अगर आप उनको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं तो यू आर वायलेटिंग देयर आर्टिकल 14 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम यस्टरडेज न्यूज़पेपर आवाज़ जो थी वो थी 20 तारीख 20 जून 2021 हज़ार इक्कीस जिसमें हम मूव करते हैं संडे का न्यूज पेपर था uh, सबसे ऊपर अगर हम देखें तो फ्रंट uh, पेज में एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसको हम बोलते हैं राजस्थान विमेन वो टू नर्चर द ग्रीन फैमिली राजस्थान की महिलाओं ने एक नई चीज स्टार्ट की है एंड दे हैव टेकन द प्लेज टू ट्रीट द प्लांट्स एज ग्रीन मेंबर्स

ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच का कनेक्शन जो है ये मेंशन किया गया है इस कैंपेन uh, के द्वारा एंड मेकिंग द ट्री एंड इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द फैमिली कॉन्शियसनेस बेसिकली है क्या आइडिया कि जो ट्री है दैट इज द पार्ट ऑफ द फैमिली कॉन्शियसनेस ट्री इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ फैमिली कॉन्शियसनेस दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर एंड दिस दिस इज़ वॉट हैज़बिन डन बाय द राजस्थान फीमेल्स ठीक है ना एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कौन कौन से प्लांट्स अगर हम देखें तो uh, uh, खेजरी uh, रो, रोहिदा नीम बेर शीशम ये अलग अलग सैम्पलिंग्स हैं जो कि लगाए गए हैं इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे श्याम सुंदर जियानी का नाम है श्याम सुंदर जियानी द रिसपियंट ऑफ दिस ईयर्स लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ऑफ द यू एन यू एन का एक अवार्ड है लैंड फॉर लाइफ अवॉर्ड याद रखेगा यू एन का अवार्ड है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जिसको जो किसको मिला है श्याम सुंदर जियानी को यह अवार्ड दिया गया इज द ऑफ दिस ईयर लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ऑफ द यू एन एंड ही गाइडेड द वॉल्टियर इन प्रिपेयरिंग द सॉइल सेलेक्टिंग द सैपलिंग्स एंड प्लांटिंग दम विद केयर तो बेसिकली ये काम किसने किया श्याम सुंदर जियानी ने किया ही वॉज द रिसिपियंट ऑफ दिस इयर लैंड फॉर लाइफ अवार्ड तो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड भी उनको दिया गया था आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अगली जो न्यूज़ है वो पेज नंबर सिक्स से है एक तो देखो यहाँ पे न्यूज़ दिख रही है कि नो राइज इन द ब्लैक मनी इन द स्विस बैंक्स तो मैं तो पहले ये पूछता हूँ कि भैया जो पहले आप लोग वादा करते थे कि डेढ़ लाख करोड़ रुपए पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए स्विस बैंक में वो वापस क्यों नहीं आ रहा और जब आपके पास पहले पूरी लिस्ट थी तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहे तो गवर्नमेंट ये चीज़ अगर बताते तो ज़्यादा बेटर हो गया ठीक है ना अगली न्यूज़ है दोवाल एंड पाक टू अटेंड द एस सी ओ मीटिंग दुशानबे नेक्स्ट वीक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जो है ही विल बी अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन याद रखिएगा एस सी ओ की मीटिंग अटेंड करने वाले हैं ये और ये मीटिंग क्या होगी दुशानबे तजाकिस्तान पर यह मीटिंग होगी याद रखियेगा दुशानबे तजिकिस्तान में मीटिंग होगी एंड पाकिस्तान के उसमें एन एस ए पाकिस्तान के मोईद यूसुफ भी वहाँ पर अटेंड करेंगे मीटिंग को एंड एस सी ओ के बारे में आपको पता होना चाहिए सारे फैक्ट एस सी ओ का एक टेररिज्म सेल भी है जो एस टेररिज्म को रोकता है उसको नाम है रैट्स यानी कि याद है कि रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड बोलते हैं रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर सॉरी रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर रैट्स ये आपके एस का ही एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है जिसको जो कि टेररिज्म से लड़ता है एस की बात करें तो एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और 2001 में ये क्रिएट हुई थी दिस वाज क्रिएटेड इन 2001 तो ठीक है याद रखिएगा एस 2001 में क्रिएट हुआ था और इसका चार्टर जो साइन हुआ था 2002 में साइन हुआ था चार्टर 2002 में साइन हुआ था और 2003 में फोर्स में आया था ठीक है इनिशियल में पाँच लैंग्वेजेस थी जिन्होंने पाँच कंट्रीज थी जिन्होंने इसको बनाया था कजाकिस्तान चाइना किर्गिस्तान रशिया एंड तजिकिस्तान इनको शंघाई फाइव कहा जाता है कजाकिस्तान चाइना Uh, किर्गिस्तान रशिया एंड तजिकिस्तान ठीक है ना 2001 में जब आई थी ये तो ये पांच कंट्रीज थी ठीक है ना uh, इसको शंघाई फाइव बोलते हैं फिर इसमें अगर आप uh, सत्रह में देखा जाए तो दो कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली टोटल मेंबरशिप अगर मैं बताऊँ तो कंट्रीज की तो है कजाकिस्तान चाइना किर्गिस्तान रशिया तो कुल मिला के आपको दिख रहा होगा ये आठ कंट्रीज हैं जो जो कि मेंबर्स हैं uh, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कजाकिस्तान चाइना किर्गिस्तान रशिया तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करूँ तो अफगानिस्तान बेलारूस ईरान मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं डायलॉग पार्टनर्स की बात करूँ तो अजरबैजान, आर्मेनिया कंबोडिया, नेपाल टर्की श्रीलंका ये इसके डायलॉग पार्टनर्स है तो दिस इज़ व्हाट अबाउट एस सी ओ दुशानबे तजिकस्तान में ये मीटिंग होने वाली जिसको मैं बता रहा हूँ इसमें चाइना भी पार्टिसिपेट करेगा इंडिया भी रहेगा रशिया भी रहेगा एंड पाकिस्तान भी रहेगा सो दिस इज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इट इज गोइंग टू हैपन देयर एंड यहाँ पर लेकिन देखो अफगानिस्तान ईरान जो है जो कि ऑब्जर्वर स्टेट हैं बट दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अटेंड दिस मीटिंग क्योंकि यहाँ पर लिखा भी हुआ दिस आर द ऑब्जर्वर स्टेट जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी उसमें अफगानिस्तान ईरान मैंने बताया था कि ऑब्जर्वर स्टेट्स में आते हैं ठीक है ना तो ये मीटिंग अटेंड नहीं आगे तक तो इंपोर्टेंट इज़ जुडिशरी चीफ रायसी विरान प्रेसिडेंसी तो यहां पे यहां पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है ईरान के, के हार्डलाइन हार जुडिशरी चीफ को एंड राइसी हैज दिस प्रेसिडेंशी इलेक्शंस तो इनका नाम याद रखना इब्राहिम रायसी दिस नेम इब्राहिम रायसी बट हिज इलेक्शन इज ऑलरेडी सैक्शनड बाय द यूएस इन पार्ट्स ओवर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द मास एग्जीक्यूशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पोलटिकल प्रिजनर्स इन 1988 तो यहाँ पे याद रखना कि 1988 में ऑलरेडी इब्राहिम रायसी का जो नाम है वो आ चुका है फॉर द प्रोसिक्यूशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पोलटिकल प्रिजनर्स इन नाइनटीन एंड देर फॉर यू एस एज ऑलरेडी सैक्शनड हिज एलेक्शन ठीक है ना इब्राहिम रायसी का नाम जरूर याद रखना ठीक है ना अगला जो देखो न्यूज है वो है रो ओवर स्टडी ऑन बैट वायरसेस इन नागालैंड ये मैंने ऑलरेडी आपको न्यूज में बताया हुआ था फिर से एक बार बताता हूं 2019 में एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी इट वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑन बैट वायरसेस तो बैट वायरसेस के ऊपर एक मीमी विलेज एरिया है कहाँ का किफीरे डिस्ट्रिक्ट नागालैंड का मीमी विलेज एरिया किफीरे डिस्ट्रिक्ट नागालैंड का वहां पर यह स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑन बैट अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था मैं आपको बताता हूँ एनसी याद रखेगा तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसके ऊपर कुछ मतलब एलिगेशन लगाए हैं ठीक है ना सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लगाए हैं और उन्होंने यह कहा है कि आपने आई का अप्रूवल नहीं लिया ठीक है ना आई का अप्रूवल नहीं लिया और आपने प्रॉपर uh, प्रिकॉशंस नहीं ली किसको बोला ऐसा नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस एन को एन याद रखेगा नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज को और टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने मिल करके स्टडी की थी और उनको यह कहा गया कि आपने आई का अप्रूवल नहीं लिया बिफोर कोलेबोरेटिंग फॉर द स्टडी और स्टडी की फंडिंग

है और जितने भी हम जो भी हमने किया है वो हमने सही किया है हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि एन जो था वो मतलब इसके लिए एलिजिबल नहीं है स्टडी को करने के लिए और उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं है हाउ दे डिड दिस स्टडी दिस इज नॉट द राइट वे टू डू दैट इज द थिंग विच वॉज देयर और लास्ट में जो न्यूज़ है वो ए वाई वन वायरस के रिगार्डिंग है जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट कहलाता है इसका खतरा बढ़ता जा बढ़ता जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुल मिलाकर के अपने को तो यही करना है कि प्रिकॉशंस बना करके रखें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम नहीं है ऐसा नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स कीप लाइक अस कीप लविंग अस थैंक यू एंड इस